सी आई ई e टी एन सी ई e आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ पौधों की परी रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए वहाँ सब ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली बहुत मज़ा आया फिर दीदी ने कहा आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ हमने पिछले कैंप में इसे खेला था मैं बन जाती हूँ पौधों की परी पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा दीदी ने खेल शुरू किया वो बोली पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो ना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया दीदी बोली अरे वाह सबने एक एक पौधे को छू लिया जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं शबनम बोली दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी खेल फिर शुरू हुआ अब पौधों की परी ने कहा एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था खेल में परी बनकर वो सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था वो बोला अब मैं बनूंगा पौधों की परी पर मैं परी चलो बन जाता हूँ सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतज़ार माइकल बोला सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो दीदी ने कहा लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए दीदी ने कहा क्या सभी पत्तों का रंग आकार और किनारे एक जैसे हैं दयाराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं देखो कोई गोल है कोई लंबा और कोई तिकोना अम्मू बोली इन सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा कोई तो पीला लाल बैंगनी है एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं शबनम बोली देखो पत्ते के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं अब मैं बनूंगी पौधों की परी अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले दीदी ने कहा अगले इतवार को बनना अब घर जाने का समय हो गया है रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई पत्ते हरे हरे और गीले ढीले लाल बैंगनी और कुछ पीले तरह तरह के होते पत्ते बड़ी तरह के होते पत्ते कुछ हाथी के कान जैसे फड़ फड़ाए शैतान के जैसे कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से खाएं कुछ को पान के जैसे सुबह सवेरे बड़े अंधेरे स के रोते पत्ते लगे कोई तितली कोई भौरा रुए कोई बिल्कुल कोरा बनता कोई सूख के कांटा कोई पिचक कर बने कटोरा साए साए सनसन फड़ फड़ हवा चले तो करते बड़बड़ बड़, दिन भर रहते खिले खिले से ब्रज के संग सोते पत्ते तरह तरह के होते पत्ते बड़ी तरह के होते पत्ते ये कविता लिखी थी विजेंद्र पाल सिसोदिया ने बच्चों कुछ पत्ते इकट्ठे करो जैसे नींबू आम नीम तुलसी पुदीना हरा धनिया इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो क्या सभी पत्तों की महक एक सी है क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया देखो कैसे एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लो पत्ते को मेज़ या जमीन पर रखो ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हैं ना उसे ऊपर की तरफ रखना है फिर कागज़ को पत्ते पर रखो अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो पत्ते और कागज़ को हिलाना नहीं अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लो इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छपाई बन गई अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हैं तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो उनके नाम लिखो ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं पेड़ से दोस्ती तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो एक लंबी दोस्ती ये किस चीज का पेड़ है यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो क्या तुम दोस्त पेड़ को कोई खास नाम देना चाहोगे क्या रखोगे उसका नाम क्या ये पेड़ फूल या फल देता है बताओ कौन से इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं कौन से रहते हैं अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ स्तुति सी आई ई टी -E एन सी आर टी -E नई दिल्ली भारत